नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि माधुरी प्रथम हेडलाइंस। कोरोना तृतीय लहर चिंता दिन 10:30 वरिष्ठ अधिकारी बैठक करिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना मुकाबला और टीकाकरण करिबे समीक्षा। नुआ कोविड वेरिएंट ने बढ़िला चिंता जरूरी सूचना जारी कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। आफ्रिकीय देश में चिन्हट नुआ वेरिएंट उपरे चली अध्ययन कटकणारे देश देश मध्य विमान चलाचल और यात्रा हूर परामर्श नुआ वेरिएंट सतर्क रहा स्वतंत्र परामर्श। पुणे राज्य में कोरोना काया करंजिया ठाकुरमुंडा चमकपुर आवासिक आदिवासी बालिका विद्यालय में 26 छात्री कोरोना पॉजिटिव। आज स्कूल को जीव डाक्तरी टीम जड़े डाक्तर प्रत्यक्ष तत्वावधान हो चिकित्सा। आज उत्कल विश्वविद्यालय 89वां प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। विश्वविद्यालय कन्वेकेशन हल में 10:30 आरंभ हो कार्यक्रम। गजपति जिला गुरुजुली पंचायत चिड़ांगपंका गांव विरल वज्रकाप्ता उद्धार वन विभाग और अड़पा पुलिस मिलित ऑपरेशन उद्धार एक काठ कारण में लुचाई रखा जाता वज्रकाप्ता दुई अटक। कटक टांगी थाना मंगुली पुलिस आउटपोस्ट में महिला को दुष्कर्म उद्यम अभियुक्त होमगार्ड का समेत तीन जन थाना अटक मामला रुजुसह तदंत कर पुलिस। खोर्धा ब्रह्मपुर जातीय राजपथ बेलपड़ा बाईपास निकट में ओवरब्रिज तलक खसला बस तीन यात्री मृत 11 गुरुतर घटक तारिणी मंदिर दर्शन सारी फेरवा बेले दुर्घटना समस्त आहत एमकेसीजी मेडिकल भर्ती। आज प्रथमाष्टमी घरे घरे एंटुरी पिठार महक सह ओडिया संस्कृतिर झलक नुआ लुगा पिंधि पूजा होउछन्ति घरर बड़ माने। सेपटे श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति श्रीजी पाखरे लागी हेबो खदी और छेदा प्रसाद एवं जूनियर पुरुष हॉकी विश्वकप रे आज गुरुत्वपूर्ण मैच क्वार्टर रे प्रवेश करने को भारत पोलांड मध्य हेबो कड़ा टक्कर। कानाडा को 13-1 रे हराई मजबूत स्थिति रे भारतीय दल उभय दल खेलाड़ी प्रदर्शन उपरे रहिबो क्रीड़ा प्रेमी नजर। आज संपूर्ण खबर को कोरोना तृतीय लहर चिंता आज दिन 10:30 वरिष्ठ अधिकारी बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में कोरोना मुकाबला और टीकाकरण समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। एवं कोरोना पुणी तार रूप बदल बेले संक्रमण वृद्धि पाउछे कोरोनार नुआ स्ट्रेन डेल्टा और डेल्टा प्लस ठार अधिक भयंकर चेताई विश्व स्वास्थ्य संगठन। तेज देश में कोरोना मुकाबला और टीकाकरण नहीं आज समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई सहित फोन लाइन दिल्ली रिपोर्टर गगन विश्वाल जोड़ी। गगन जितेबले समस्त विश्ववासी चिंतार अच्छा जितेबले कोरोनार नुआ वेरिएंट देखादेगी आभली समय रे समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री विशेषकर क्यों बैठक में उपस्थित रहेंगे बैठक केते बेले आरंभ हो बैठक में क्यों क्यों गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना हम सविशेष तथ्य निश्चित भाव 10:30 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे रिव्यू बैठक रखिंट तेरे निश्चित भाव आम देखी कोरोना समय रे प्रति मोमेंट रे प्रधानमंत्री जितेबले भी भारत प्रति कौनसी जगार भी किसी सतर्क सूचना मिली विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी सतर्क सूचना देखिए तेनाली प्रधानमंत्री तुरंत रिव्यू बैठक डाक तेरे निश्चित भाव नुआ वेरिएंट कथा आप कौन जार नामकरण ओमाइक्रॉन विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षर वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी रखा जाती पूर्व आम देखी डेल्टा कहतु बीटा कहतु गामा कहतु ये गुड़िक जो प्रजाति था विशेष दुर्बल प्रजाति कहला किंतु डेल्टा प्लस जिते भारत को आसला डेल्टा प्लस किभली भाव भयंकर परिस्थिति भारत में सृष्टि करता ऑक्सीजन अभाव लोक अनेक स्वास्थ्य समस्या रे सम्मुखीन होते तो निश्चित भाव डेल्टा प्लस भारत में बहुत घातक साजिता से भली ढंग से जी बर्तन ओमाइक्रॉन बर्तन नुआ आसुची जहां वेरिएंट कंसर्न वर्ग में विश्व स्वास्थ्य संगठन रखी तो निश्चित भाव भारत सरकार तत्परता प्रकाश करते तुरंत से सबू देश जो मैंने आसेस्ट त्वरावित कराई से क्वारेटाइन रखापीधेश निर्देशनामा जारी कराई जो कथा आम सका डिस्कसन करूँ तो निश्चित भाव नुआ वेरिएंट और भारत में जो तृतीय
लहर कथा कहला कहीं आम से टाइम क्रस कर सारी समस्ते विशेषज्ञ मैंने कहते हुए तो दीपावली सुधा तृतीय लहर आसी पारे भारत को किंतु वर्तमान पर्यंत तृतीय लहर आसीनी किंतु सबुठ चिंताजनक बर्तमान रही केरल कहीं देखिए प्रतिदिन जी 8000 केस भारत में आसुची तार 80% 70% केस केवल केरल रु ही आसुची अनेक राज्यर अनेक जिला गुड़िक जो गुड़ाक रेड जोन थिला वर्तमान से सब गुड़िक ग्रीन जोन को कन्वर्ट होती आम राज्य कथा आम कहीपर सब ग्रीन जोन में वर्तमान रही किंतु वर्तमान चित्र बदलुची कहीं संक्रमण संख्या बढ़ुची अनेक जगार तेणु ये सब कथ को नहीं कि प्रधानमंत्री निश्चित भाव विस्तृत भाव आलोचना करेंगे निजर ऑफिशियल टीम सहित जो थे स्वास्थ्य विभाग ऑफिसर रे स्वास्थ्य मंत्री रही पारे नीति आयोग जो परामर्शदाता रही सदस्य रही सामिल हे आवश्यक पड़े परवर्त पर्यायर सहित प्रधानमंत्री जो एम्स निर्देशक कहतु विभिन्न राज्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य जो मंत्री रही सहित हम आलोचना करपारती कि आज जो मीट रही सीधासल केन्द्र सरकार अफिसील सहित बैठक करेंगे प्रधानमंत्री वर्तमान भैक्सीनेसन स्थित कौन रही केते मात्रा भैक्सीनेस भारत लोक संख्या अनुसार और आगामी दिन में कौन स्टेप निजान वर्तमान जो कमी जा शिथिलता गोटे देखा नुआ भेरिएंट को लेकिन बा टेस्टिंग से मात्रा होनी अनेक राज्य में तेणु से सब कथ को लेकिन निश्चित भाव प्रधानमंत्री आलोचना करेंगे पुंगानुपुख भाव में प्रधानमंत्री आलोचनार कौन निष्कर्ष भावी जदि किसी प्रतिक्रिया आसो गृह मंत्रालय होमई तरफ से निश्चित भाव से सब चित्र स्पष्ट हो कि प्रधानमंत्री जदि किसी रखती उद्बोधन देशवासी को ओके खबर पर नजर रखि था तो गगन आप जो कथा कह बर्तमान जो नुआ भारीएंट सामना को आसी समस्त चिंता बढ़ी बेले गोटेपटे जो भारत पर विपद आसे आत प्रधानमंत्री अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना कर विशेषकर भारतवासी कि सुरक्षित रे से चिंता प्रकट करवर्त खबर को राज्य में करोना काया करंचिया ठाकुर मुंडा चमकपुर आवासिक आदिवासी बालिका विद्यालय में 26 जन छात्री कोरोन आक्रांत होते जहां तत्पर हो जिला प्रशासन आज एक डाक्तरी टीम स्कूल को जी जड़े डाक्तर प्रत्यक्ष तत्वावधान में आक्रांत छात्री मानक चिकित्सा करा स्कूल आंबुलांस रहाजिला आवासिक विद्यालय मोट 269 जन छात्री रही पाठ पढ़ुता बेले 20 जन कर्मचारी रही कि छात्री असुस्थ हो गुरुवार दिन से कोरोना परीक्षा करा कर 22 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते शुक्रवार 4 छात्री कोरोना आक्रांत होते आ 15 जन स्वाब परीक्षा पठा जा समस्त आक्रांत को संगरोध में रखा जा आसिया परवर्त खबर को आज उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वविद्यालय कन्वेकेशन हल में सका 10:30 आरंभ हो कार्यक्रम सम्मानित अतिथि भाव विशिष्ट शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर रजत कुमार कर जोगदेवार कार्यक्रम रही उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति सविता आचार्य अध्यक्षतार उत्सव में पीजी काउनसिल अध्यक्ष प्रोफेसर बसंत कुमार मल्लिक अतिथि भाव परिचय प्रदान करेंगे एवं उत्कल विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉक्टर अभय कुमार नायक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करिवार कार्यक्रम रही छात्र मंगल निर्देशक डॉक्टर सुशांत कुमार बड़माली धन्यवाद देवे सेपरी केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इक्यूबेशन सेंटर गस्त करिवार कार्यक्रम रही बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित प्रदीप्त महापात्र रिपोर्टर जोड़ी प्रदीप्त विशेषकर आज हेउछि उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस एवं सेथिरे मुख्य अतिथि भाव जोग देउछन्ति केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केतेबेले रहिछि कार्यक्रम एवं कार्यक्रम रे कोन सब रहिछि निश्चित भाव रे माधुरी अपन जो कथा कहिले आज उत्कल विश्वविद्यालय 79वां प्रतिष्ठा दिवस एवं विश्वविद्यालय जो लंबा यात्रा जेबेठु विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा हलानी सेबेठु वर्तमान जाए विभिन्न स्थिति देकि विश्वविद्यालय गति करछि एवं सफलतार विभिन्न पहाच मध्य चढ़ी आम जी कहिबा नजर पकाइबा तबे आज कार्यक्रम विषय आपण जहाँ पचार आज 10:30 बेले प्रतिष्ठा दिवस जो कार्यक्रम आरंभ हम एवं विश्वविद्यालय जो समावर्तन जो प्रकोष्ठ रही कार्यक्रम हम एवं विशेष कथा होउछि जे आज प्रतिष्ठा दिवस रे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोग दौंट तेणु निश्चित भाव में छात्र छात्री मन भितर उत्साह रही विशेष भाव में आम जब नजर पकाइबा
ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାତ୍ରା କଥା, ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେଶର 100ଟି ଯୋଉ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 87ତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ 100ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ରହିପାରିଛି। ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇପାରିଛି। ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପେଟେଣ୍ଟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହାସବୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ 79 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ଏଠୁ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଆସିକି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆହୁରି କିପରି ଭାବେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଖୋଲିପାରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବଢିବ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କଟକ ଟାଙ୍କି ଥାନା ମଙ୍ଗୁଳି ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ବିରଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଅଡ଼ବା ଥାନା ଗୁରୁଜୁଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଚିଙ୍ଗାଡ଼ ପଙ୍କା ଗାଁରୁ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏକ କାଠ କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ମୋହନା ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୋହନା ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀହରି, ବିଶେଷ କରି ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ସହ, ଅଡ଼ବା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନ ଥିଲା, ତେବେ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମାଧୁରୀ, ଏଇ ଯେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା, ମୋହନା ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଡ଼ବା ପୋଲିସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୁରୁଝୋଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଚିଡ଼ାଙ୍ଗପୁଙ୍କା ଗାଁରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏକ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କାଠ କରଡ଼ରୁ 15 କିଲୋ ଓଜନର 2ଟି ବଜ୍ରକାପ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏସ ମାଝି ଏବଂ ଜାକବ ମାଝି, ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାଳଖେଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ଜି ଭାସ୍କର ରାଓ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଧରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ନେଉଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ନା କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମିତି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ମାଧୁରୀ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ମୋହନା ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବେଲପଡ଼ା ବାଇପାସ ନିକଟରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ବସ୍ଟି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟକା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ବେଲପଡ଼ା ବାଇପାସ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ବସ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସ୍ଟି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 2 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 1 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସକାଳ 6ଟା ଯେ ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ'ଣ ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ
मृत्यु होती तीन जन आ बाकी आहत अच्छा समस्त अणा जाऊँच आ पेसेंट सब आहत जो अच्छे किसी से आहत होनी भल अच्छा आ बाकी पेसेंट आसुच्ची चार जन पाँच जन आसिले सब गोड़ हाथ भांगी जन मुंड फाटी आउ जन कान भांगी सब ये टाइप इंजुरी जन चेस्ट मैड होती रातिर जाइए घटना तारीण जाइए बुलाया घटना तारीण रू रिटर्न होते बालुगाँ में पास जीप ओल्ल भितर ट्रक को मारिकी जामें शुणिल सका छ नवेम्बर 29 रे दक्षिण आंडामान सागर रे सृष्टि हेबो लघुचाप प्रभाव रे डिसेंबर 3 रु राज्य रे वर्षा संभावना लघुचाप सृष्टि हेबार 48 घंटा परे एहा उपकूल मुहा हेबो परे परे एहा अपपातर रूप ने दक्षिण ओडिशा व उत्तर आंध्र रे स्थलभाग छुइबो प्रभाव रे उपकूल जिला अर्थात खोर्धा नयागढ़ बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक आदि जिले में अधिक वर्षा हेबार संभावना रही आभ्यंतरण ओडिशार केतेक स्थान रे मध्य हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाक विभाग पक्षर सूचना दिया जाय छे सेपरि गत 24 घंटा मध्य रात्रि तापमात्रा रे सामान्य ह्रास घटिथिबा देखिबा मिलि छे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री खसथिबा बळे शीतर प्रकोप जारी रहै छे। आज प्रथम अष्टमी घरे घरे एंटुरी पिठार महक सह देखिबा मिलि छे ओडिया संस्कृतिर झलक घर बड़ संतान मान नुआ लुका चंदन सिंदूर लग जाए बंधापना करा मार्गशीर मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि को प्रत्येक ओडिया घरे प्रथमाष्टमी भाव पालन करें ज्येष्ठ संतान मान सुख समृद्धि दीर्घ जीवन पर पूजार्चना करपरी आज प्रथमाष्टमी तिथि श्रीमंदिर में स्वतंत्र नीतिकांति होवार कार्यक्रम रही नियाली माधवों पीठर पढ़ुआ सामग्री आसीथिबा बेले आज श्रीजीवों अंगरे नुआ लुगा लागि हेबा सहित खति ओ छेदा प्रसाद लागि हेबो प्रथमाष्टमी पई चलचंचल गाँठू सहर हलदी पत्र पिठार बासनारे पूरापल्ली महकुछे ओडिया घरे बेस आडंबर रे पालन हेउछे प्रथमाष्टमी घर बड़ माने नुआ लुगा पिंधिबा परे सेमानको पूजा करा जाउछे कुहा जाय घर बड़ संतान परिवार बोझ मुंडाई थांते पितामाता परे घरर दायित्व सेमाने नेबा सह सुख दुख बुझी थांते तेणु सेमाने एही दायित्व संभालिबा भितर निजर खुशी को जलांजलि देथांते तेणु वर्षकरे थरे सेमानको सम्मान जणाइबा उद्देश्य रे एही पर्व पालन करा जाय। प्रथमाष्टमी वर्षके थरे आसी थाय एहाको आमे भलरे पालन करथाउ नुआ जामा पैंट सार्ट पिंधि आमे पिठा खाउ पर्वा हो पालन करथाउ। कोणार्क उत्सव और आंतर्जातिक बालुका कला उत्सव पर द्वितीय प्रस्तुति बैठक कोणार्क यात्री निवास अनुष्ठित होइछे बैठक एथिरे पुरी जिलापाल अतिरिक्त जिलापाल निमापड़ा एसडीपीओ समेत जिलार समस्त अधिकारी माने जोग देथिले कोविड कटकणा मध्यरे डिसेंबर 1-5 तारीख जाए किपरि उत्सव पालन हेबो सेने आलोचना करा जाइथिला गत वर्ष पर उत्सव में मीना बजार और यात्रा को बंद कर चलित वर्ष चंद्रभागा बेलाभूमि 30 टी बालुका कलार स्टल करा छबो तबे कोविड नियम माने पर्यटकों को बालुका कला देखिवार सुजग मिलिबो कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल रहूछि से अनुसार हमें वेन्यू कैपेसिटी से अनुसार हमें टाइमिंग ऑफ द इवेंट से अनुसार सीक्वेंसिंग सब जिन से हमें अरेंज करे छु और सब डिपार्टमेंट जेन दी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी मेडिकल फायर पुलिस समस्त कोऑर्डिनेशन मीटिंग सरी जाइछि और सब जिन से ट्रैक रे छि और हमें आशा करू छु सक्सेसफुली कोणार्क फेस्टिवल और चंद्रभागा सैंड इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल भी भलो भाव रे हो। इंजीनियरिंग पढ़ा स्वप्न पूरण कले मुख्यमंत्री बलांगीर बंगमुटा तहसिल अंचल प्रतिभावान छात्र ताराचंद राणा आडमिशन मंजूर कले 96,500 टंका चलित वर्ष जेई मेन 99.35 प्रतिशत मार्क रखी कृतिकार्य होती ताराचंद तेज अर्थ अभाव आडमिशन हो पार ना यह जानापर सहायता कर मुख्यमंत्री यहसह ताराचंद को तांको सफलता पाई अभिनंदन जनवर उज्जवल भविष्य कामना कर वर्ष मध्य जेमेन्स एडवांस जे मोर 99.35% रहा जोसा काउनसिलिंग पार्टिसिपेट कली पार्टिसिपेट कलापर मत एन आई टी वारंगल कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलला से मत अनल 75,000 टाँग पेमेंट कर
आउ 21,500 जॉइनिंग टाइम रे पेमेंट करिवार थिला। घर आर्थिक अवस्था ठीक नथिबारु मु घरे किछि कहि पारि नथिली। आउ आम नवोदय विद्यालय रो जो अलुमनी माने थिले मान कांटेक्ट करथिली, से माने तांको तरफ रु किछि फंड संग्रह करी मते देथिले, सेटा मु पेमेंट करथिली। आउ मु तापरे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को गोटे लेटर लिखी थी। लेटर रे मोर सब प्रॉब्लम जणै थी। मुख्य माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस रूम मते कॉल आसी थिला, से माने मो सहित कांटेक्ट करले, मो प्रॉब्लम बुझिले, तापरे से माने वेरीफाई करी मते 96,500 टका प्रदान करी कले। सेति पई मु माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन करूछी। देखियो परवर्ती खबर, विदेश रे मध्ये भारतीय संविधान दिवस पालन करा जाय छे। सुदूर बाहरेन स्थित भारतीय दूतावास रे 72वां संविधान दिवस पालन होइतबा देखिवाक मिलिछे। एने एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होइतबा बळे दिल्ली संसद भवन रे अनुष्ठित होइतबा संविधान दिवस कार्यक्रम को विशेष माध्यम रे सीधा प्रसारण करा जायथिला। सेहिपरि एही अवसर रे भारतीय दूतावास पक्षरु एक नूतन आप रे लोकार्पण करा जाय छे, जहाँ माध्यम रे बाहरेन रे काम करथिबा प्रवासी भारतीय माने सहज ओ सुविधा रे भारतीय दूतावास रे समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग पाई परिबे। एने बाहरेन ओडिया समाज रे प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज खुशी व्यक्त करथिबा बळे समस्त भारतीय माननकु संविधान दिवस रे शुभेच्छा ओ शुभकामना जणाइछन्ते। आपण समस्तंकु भारतर 72वां संविधान दिवस रे अनेक अनेक शुभेच्छा ओ शुभकामना। आज किंगडम ऑफ बहरीन रे इंडियन एम्बेसी रो प्रांगण रे आम संविधान दिवस पालन करी आम अत्यंत आनंदित। आहुरी आनंदर विषय हला जे एही अवसर रे आम इंडियन एम्बेसी आम गोटे बहुत पुराणा दाबी को मानि नैछंती। आम जो श्रमिक भाई माने अछंती तांकु आगरु तांको पासपोर्ट किंबा कंसुलर सर्विसेज पई ईमेल द्वारा अपॉइंटमेंट नबाक पडतला। बहुत श्रमिक भाई लेखापढ़ा भी जानी नाहंती, लेखि पारु नथले, आउ किमा सेमाने को बहुत असुविधा होतला इंडियन एम्बेसी रो अपॉइंटमेंट नबा पई। तो आज गोटे ऐप को आम महामहिम आम इंडियन एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी श्री पीयूष श्रीवास्तव जी उद्घाटित कले, जहाँकि बहुत सरल। आउ आम श्रमिक भाई माने तांको अपॉइंटमेंट कंसुलर सर्विसेज किंबा इमिग्रेशन सर्विसेज किंबा पासपोर्ट सर्विसेज पई गोटे तांको स्मार्टफोन माध्यम रे बहुत नहीं पारिबे। यह गोटे बहुत भल उद्यम आम इंडियन एम्बेसी द्वारा। आगे को चल कि आम जो आम कंप्लेंट रजिस्टर आउ तार रिड्रेसल सिस्टम टाकु भी इंट्रोड्यूस करिवे बोली सी आमको आश्वासना देछंती। आमे एही अवसर रे आम इंडियन एम्बेसडर को रिक्वेस्ट करछु जे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मध्य आम इंडियन एम्बेसी रे इंट्रोड्यूस करा जाउ, कारण एबे पर्यंत आमे इंडियन एम्बेसी रे कोनोसी भी सर्विसेज अवेल करिया पई आमको कैश पेमेंट करियाकु पडुछि। बरह शिकार पई धान जमीरे बिछा जाइथिबा विद्युत तार लगी युवक मृत। मृत युवक गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक अधीनस्थ कन्हेपुर गाँव श्रीकांत गौड़। मृतकों पर लोके कि श्रीकांत और तंक सांग प्रकाश गाँ शेष जमी बाट दे गाधोवाई जाते हैं। चाषी मान धान फसल को हाथी और बारहा आसी फसल नष्ट जो बारहा शिकार करने निम्ते बिछा जा विद्युत तार श्रीकांत गौड़ और प्रकाश गौड़ों गोड़ लगि जाता फल श्रीकांत घटनास्थल में मृत्यु होता। प्रकाश अल्पके बर्ती जाते दमकल बाहन विभाग और बुगुड़ा पुलिस श्रीकांत मृतदेह उद्धार कर तदंत कर श्रीकांत सांग प्रकाश को पुलिस थाना अटक रखी पचराउचरा कर। ए बाबद अधिक सूचना पई हम सहित पोलसरा रिपोर्टर सुब्रत हम सहित जोड़ होती। सुब्रत पूरा घटनाक्रम कौन रही था যেভাবে ভাবে দিনক দিন চাষ জমি নেই চাষী মানে বিভিন্ন প্রকার নাই নথিবা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন যেতবে ফসল নষ্ট হচ্ছে কতবে বারা হাতী উপদ্রব দেখা মিলুছি কিন্তু এভাবে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন চাষী মানে যা ফলে এটি যেতবে বারা ও হাতী মানে যেত উপদ্রব করছেন ফসলের আসি ফসল নষ্ট করছেন সেতবে চাষী মানে কেউটি না কেউটি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন যা ফলে সে কিছু ভাড়া শিখার পি বলে তার বিছাই কিন্তু সেটি যে
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌଡ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌଡ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାରରେ ଲାଗି ସେଠି ତଳି ପଡ଼ିଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେଠୁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ପ୍ରଥମେ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଞ୍ଜନଗର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଟକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରକାଶ, ସେଇ ପ୍ରକାଶକୁ ଆଜି ବୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି କିଛି ପଚରା ଉଚରା କଥା ଜଣା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।